नमस्कार, आप देख रहे हैं लुक स्मार्ट और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। यूपी में इस दिन आ सकती है बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। सबसे पहले ऐसी सीटों पर होगा ऐलान। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सभी 80 सीटें जीतने के लक्ष्य को साधने के लिए भाजपा सदी रणनीति के तहत अन्य दलों से आगे दौड़ रही है। राज्य मुख्यालय से लेकर लोकसभा क्षेत्रों तक पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को चुनाव प्रभारी संयोजक की जिम्मेदारी देकर मोर्चों पर तैनात कर दिया गया है। बताया जाता है कि 15 फरवरी तक भाजपा हारी हुई लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर सकती है। पार्टी इस दिशा में काम कर रही है कि हारी हुई सीटों पर पहले प्रत्याशी घोषित करने के साथ ही इन सीटों पर जीत सुनिश्चित करने के इरादे से बड़े अभियान के तहत आगे बढ़ेगी। गौरतलब है कि 2019 में आम चुनाव में भाजपा यूपी के 78 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें से 62 सीटों पर उसे जीत हासिल हुई थी। दो सीटें सहयोगी अपना दल सोनेलाल को दी गई थी, जिसमें दोनों सीटों पर विजय मिली थी। बाद में उपचुनाव में भाजपा ने हारी हुई सीटों में से आजमगढ़ और रामपुर में जीत दर्ज कर हारी हुई सीटों का ग्राफ 16 से घटकर 14 कर दिया। पार्टी पदाधिकारियों के मुताबिक पार्टी यूपी की हारी हुई इन 14 सीटों पर सबसे पहले प्रत्याशी घोषित करेगी। 2019 के चुनाव में सपा 5, बसपा 10 और कांग्रेस ने एक सीट जीती थी। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत पांडा को यूपी का लोकसभा चुनावी प्रभारी बनाया गया है एवं उनके बनाए जाने के साथ ही बूथ से लेकर राज्य मुख्यालय तक चुनाव की तैयारियों में जुड़े भाजपा के सभी नेता सक्रिय कर दिए गए हैं। इस महीने के अंत तक यानी कि 31 जनवरी तक सभी लोकसभा क्षेत्रों में भाजपा के चुनाव कार्यालय खुल जाएंगे, जहां से चुनावी गतिविधियां तेजी से आगे बढ़ाई जाएंगी। लोकसभा क्षेत्रों के चुनाव संचालन समिति का गठन कर दिया गया है। स्थिति तक विधानसभावार चुनाव संचालन समिति का गठन भी भाजपा कर देगी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लुक स्मार्ट।